जनपद मुरादाबाद में परिवार के लोगों ने हरिद्वार हाईवे पर शव रखकर लगभग एक घंटे तक जाम लगाए रखा। परिवार के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मारपीट से युवक की मौत हुई है और अब उच्च अधिकारी दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। जाम की सूचना पर मौके पर मैं पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसपी देहात ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया और जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल ये मामला दो थानों से जुड़ा है। थाना भोजपुर क्षेत्र निवासी मृतक और उसकी पत्नी के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। आज मृतक के ससुराल पक्ष ने सुबह डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को गाड़ी में बिठा लिया। परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस और परिवार के लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शव को हरिद्वार हाईवे पर रख कर जाम लगा दिया। लगभग एक घंटे तक पुलिस परिजनों को समझाती रही, लेकिन परिवार के लोग नहीं माने। मौके पर एसपी देहात ने परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही का आश्वासन देकर बामुश्किल जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस परिजनों से तहरीर लेकर शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर रही है। एसपी देहात ने बताया कि परिजनों की तहरीर लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। INN के लिए शांतनु मनोज की रिपोर्ट। सुबह 100 नंबर पुलिस आई थी, इन मियां बीबी में कोई बात हो गई थी कल, तो उन्होंने अपने मैं के सुबह फोन करा, फिर इनके साले ने 100 नंबर बुलाई थी सुबह, ये सो रहे थे लोग, मैंने इन्हें उठाया, मैंने भैया 100 नंबर आई हुई है, बोले हमने फोन ये मारते हो इन्हें, ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो फिर बोले ज़्यादा ऐड के दिखा दिया तुझे, अभी बताएं मारने लगे, उसे दो डंडे मारे, गाड़ी में बैठा लिया, बात चलती रही। गाड़ी के 10 मिनट बाद जब गाड़ी खोली तो उसके अंदर मेरा भाई ख़त्म निकला, बिल्कुल भी खत्म हो गया था, हॉस्पिटल लेकर आए, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। 100 नंबर के अंदर मेरा भाई खत्म हो गया। अब इन लोगों ने पूरे प्रशासन ने उन्हें दोनों को भगा दिया, जो पुलिस वाले थे, और वो गाड़ी भी भाग गई। हाँ जी, वो भी चली गई। पुलिस वाले ये कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा होगा, लेकिन क्या पता क्या हो, अब बुलाया जाएगा, अब पता नहीं आए ना आए, ये तो सब पुलिस की राजनीति है। पुलिस ने दो डंडे मारे थे, गाड़ी में बैठाया था, हम मना कर रहे थे तो भी, उसके बाद क्या हुआ, अंदर ही ख़त्म हो गया 100 नंबर के। ये थाना क्षेत्र भोजपुर में एक गांव में सूचना पर यूपी 112 गई थी, जहां पति पत्नी का आपस में विवाद था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा डंडा मारा गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत की जा रही है और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना समय तक इन्होंने हाईवे को जाम रखा? इस संबंध में जांच कर बताया जाएगा। अब इसके बाद में क्या कार्रवाई की जा रही है? परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, पोस्टमार्टम के आधार पर और बाकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क INN।